पूजनी संत समाज, सज्जनों और देवियों, उपासना बाहर से भीतर की तरफ चली है और पहुँचते पहुँचते स्वयं में पहुँची है। आदमी पहले बाहर कुछ खोजता है और जब थक जाता है तब अंतर्मुख होता है। लौकिक स्थिति में भी हम देखते हैं, इंद्रियों के भोगों को भोगते भोगते, खाते पीते सब करते करते जब थक जाता है तब समझता है कि इसमें सुख नहीं है, तब अंतर्मुख होता है। एक नौजवान पढ़ता था कॉलेज में, पढ़ते पढ़ते फिर नौकरी पाया, अच्छी नौकरी, खूब पैसा मिलने लगा और फिर उसको खाने की तृष्णा बड़ी हो गई, खूब घी दूध दही मेवे, मोटा गया। कई वर्षों के बाद जब मैं मिला मुझे, मैंने कहा तू अपने शरीर को बहुत ख़राब कर लिया। कैसा पैसा मिलने लगा और खाने की इच्छा हुई खूब खाऊं, तो खूब खाया, अब खाने से इतनी वितृष्णा हो गई है कि इसमें रस नहीं चर्बी बढ़ गई, परेशान हो रहा हूँ और लगता भी है आखिर खा के क्या होगा, क्या फ़ायदा हुआ, तो अब परेशान हूँ। भोग भोगते भोगते आदमी थक जाता है तब लगता है कि इसमें रस नहीं। पैसा कमाते कमाते आदमी थक जाता है। गुजरात में एक जगह मैं था तो जिनके घर में निवास था, पूरा समाज का निवास था, वो नया मकान था, एक व्यापारी थे, वो मकान ही बनाते थे, कॉलोनी बनाते थे। तो मेरा प्रवचन जब सुने तो हम मेरे पास बैठे, कहे महाराज हाईबिट हो जाती है, अब मेरे पास इतना पैसा है कि कुछ न कमाऊँ कोई हर्ज नहीं, लेकिन बैठ नहीं पाता हूँ, हाईबिट हो गई है, पैसा फिर कमाऊँ फिर कमाऊँ फिर कमाऊँ, और देख रहा हूँ पैसे से मुझे आत्म शांति नहीं है हरदम चक्कर काटता रहता है दिमाग, इतना बढ़ जाए इतना बढ़ जाए इतना बढ़ जाए, और जितना बढ़ गया है उससे हमें कोई आत्मसंतोष नहीं मिल रहा है। और समझ में आ रहा है, आप जब कहते हैं तो बिल्कुल बात समझ में आती है कि थक रहा हूँ लेकिन मन नहीं मानता है। तो सांसारिक दृष्टि से हम देखें तो आदमी खूब भटकता है, खूब भटकता है, कोई कोई अंतर्मुख होता है फिर भटक करके। ऐसे उपासना में भी है, बाहर खोजते खोजते जब नहीं मिला तब अंतर में लौटा। प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष ये तीन विषय हैं। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से प्रतीत हो, और परोक्ष जो मन की अवधारणा हो, और अपरोक्ष स्वयं है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है, जो आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई पड़ता है, नाक से सूंघने में आता है, जीभ से चखने में आता है, चाम से छूने में आता है, वही यथार्थ लगता है और लगता है ऐसे रहेगा। एक जवान आदमी को भले वो समझता है कि जवान बूढ़ा होता है, इतना समझते हुए भी उसको लगता है ऐसे रोज रहेगा। कैसा भ्रम है, कैसी अविद्या है, कैसा मोह है। दूसरे को मरते देखते हैं कि छूटेगा, सब छूटेगा, लेकिन इसका ख्याल नहीं रहता है, ये रहता है ऐसे रहेगा, ऐसे खूब मेरा चकाचक रहेगा। लेकिन बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली, बड़े बड़े माया मोही अंत में ढील होते हैं, बीमार होते हैं, वृद्ध होते हैं, रुग्ण होते हैं, और उनका सारा तमाशा बिगड़ता है। अनुकूल लोग प्रतिकूल होते हैं, बनी चीज बिगड़ जाती है, शरीर तो बिगड़ता ही है। तो प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है। कुछ जीव प्रत्यक्ष से उबते हैं, लगता है कि ये सब में संतोष नहीं है, तब परोक्ष में खोजते हैं, कहीं परमात्मा है, कहीं देवता है, ब्रह्म है, सुख का आधार है,
और उसके लिए फिर वो परिश्रम करते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष में डूबे रहने की स्थिति की अपेक्षा कुछ संतोष मिलता है। अकेले में हम बैठे हैं, वो किसी भगवान की कल्पना करें तो मन में थोड़ा संतोष आता है, लेकिन पूर्ण शांति नहीं मिलती है। पूर्ण शांति जब तब मिलती है जब आदमी अपनी तरफ लौटे। भारतीय परंपरा में जो उपासना का मूल है वैदिक दृष्टि से, वो विष्णु है। भारतीय परंपरा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में वेद ही पुस्तक है जो प्राचीनतम है। उसके बराबर की भी कोई पुस्तक नहीं है और उससे प्राचीन तो है ही नहीं। ऋग्वेद मुख्य वेद है, सबसे बड़ा है और प्राचीन है। और ऋग्वेद जो में उपासना है वो विष्णु सर्वोच्च है, वो विष्णु है सूर्य। मैंने कहा था कि कबीर साहब अपनी वाणी अंतर्ज्योत से शुरू करते हैं और वेद की ऋषि अग्नि से शुरू करते हैं और तथागत बुद्ध मन से शुरू करते हैं। तो वेद में है अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम, ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का और गायत्री मंत्र है। अग्निम ईले, अग्नि देवता है, ईले जो अस्तुति योग्य हो। अग्निमेले पुरोहितम, शरणाचार्य भास करते हैं अग्नि नामकम देवम, अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है और ईले अस्तौ, ईले का अर्थ होता है अस्तुति योग्य। ईड अस्तुताविद धातु, ईड धातु अस्तुति परक है। यही बात मुसलमान कहते हैं अल्लाह, अल कहते हैं आदर को। ऋग्वेद में अरबी भाषा में कहीं भी आदर सूचक देना होगा शब्द तो अल दिया जाएगा, अल और इलाह, इलाह नाम पूज, अल और इलाह ये दो पद मिला करके अल्लाह शब्द बनता है। अल इलाह, अल नाम आदरणी आदर योग्य और इलाह पूज, और ईड ईल इलाह सब एक हैं। साण कहते हैं ईड अस्तुता विद्धातु, ईले अस्तोम, ईले ईल इलाह ईड सब एक ही बात है। कैसा अद्भुत साम्य है, वेद के मंत्र में ईल का अर्थ और अरबी भाषा का ईल इलाह एक बैठ जाता है। तो यहाँ मैं कह रहा था कि अग्नि से शुरू होती है उपासना वैदिक ऋषियों की। दूसरे लोग थे लेकिन उनका कोई साहित्य नहीं प्राप्त है, आर्यों का साहित्य प्राप्त है ऋग्वेद और उसके बाद अन्य वेद बने। अग्नि से उपासना शुरू हुई, अग्नि का महासमुच्चय सूर्य उसको विष्णु कहा गया। ऋग्वेद में 24 बार ये बात आती है तीन पाद छेप की, विष्णु ने तीन कदम रखा। आप सुने होंगे कि विष्णु ने 52 बन करके तीन कदम रख करके और पूरी दुनिया नाप ली और बलि को अपने अधीन बना लिया, छीन लिया उनका राज्य। ये पीछे की कल्पना है। ऋग्वेद में आती है बात विष्णु के तीन कदम रखने की, 12 बार खुलासा आती है बात और 12 बार संकेत में आती है। 12 बार में उर्गाय और क्रम कह करके आता है, उर नाम बहुत, गाय नाम गाना प्रशंसा करना और क्रम का अर्थ चलना। तो उर्गाय उर क्रम जहाँ आता है वहाँ वही विष्णु के लिए ही है और जहाँ खुलासा है वहाँ तो है ही है। और उसमें एक मंत्र सबसे प्रसिद्ध है, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। इदम यहाँ विष्णु, विष्णु विचक्रमे चले, त्रेधा तीन प्रकार से निदधे रखे पदम पैर, समूढ़मस्य पांसुरे
उनके पांस से, पैर की धूल से, समोड़ मत से ये सारा संसार ढक जैसा गया। और इसका अर्थ यही है कि सूरज की किरणें उसके पैर हैं और उससे पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक प्रकाशित होता है। यही तीन कदम उसका रखना है और उसके प्रकाश से सब जगमगा जाता है। यही उसके पैर की धूल से सब ढक जैसा जाना है। और आदित्य, सूर्य, सविता, दधिक्रा, अश्वनी, उषा, ये सब आग्नेय हैं, सूर्य के ही प्रकार हैं। सूर्य को विष्णु कहा गया है वेद में। विष धातु से विष्णु शब्द की उत्पत्ति विद्वान मानते हैं। विष नाम प्रवेश करना, विष का अर्थ ही होता है प्रवेश करना। सूरज अपने किरणों से मानो सब में प्रवेश करता है, इसलिए सूरज विष्णु है। आगे चल करके ऋत को माना गया है जो सब में प्रविष्ट है। ऋत नाम नियम, नियम सब जगह व्याप्त है। तो असली विष्णु तो नियम है, लेकिन वेद का वचन सूर्य को लेकर के शुरू ज्यादा हुआ। आगे चल करके विष्णु का एक आकार बनाया गया जिसके चार हाथ हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, सांवला है, सुंदर है, और उसकी उपासना चल पड़ी। तो विष्णु जो सब में प्रवेश करे वो विष्णु है, इसीलिए उसको व्यापक भी कहा जाता है। सब में क्या प्रविष्ट है? नियम। हर जगह नियम प्रविष्ट है, हर जगह नियम स्थित है। नियम को पहचाने, नियम से चले, वो विष्णु उपासक है। विष्णु कौन है? जो सब में प्रविष्ट हो। सब में कहते हैं कण कण में विष्णु या ईश्वर व्याप्त है। तो उसका अर्थ यही है, कोई व्यक्ति नहीं व्याप्त है, कोई देवता नहीं व्याप्त है, नियम व्याप्त है। सब जगह नियम व्याप्त है, कण कण में नियम व्याप्त है। इसलिए पूरे संसार की जो स्थित है उसको विवेक से समझकर जहां बर्ताव करने की बात हो नियम से चले, नियम का उल्लंघन न करे। भोजन करने बैठे तो संतुलित भोजन करे, पेट में ज्यादा भोजन जाने न दे, बहुत कम न करे जिससे कि सूख जाए, और ज्यादा न करे जिससे पेट भारी हो, संतुलित खाए। तो एक विष्णु की उपासना यह हो गई, नियम से चले। ठंडी लगी है तो आग के पास ऐसा बैठे कि जिससे गर्मी काम भर की मिल जाए और जले ना, आग के नियम को समझे। कहीं आग लग गई हो, बुझाना हो, तो प्रार्थना न करे कि अग्नि देवता है, वेद में अग्नि को देवता कहा गया है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करोगे और वो जलाता चला जाएगा सब। उसमें पानी डालो, धूल डालो, अगर बाढ़ आ जाए तो प्रार्थना करो हे वरुण देवता रुक जाओ, कोई मतलब होगा? वहां से अपना सामान लेके भागो। नियम जानो, संसार का नियम जानो, नियम को जान करके नियम के अनुसार चलना विष्णु की उपासना। विष्णु जो सर्वत्र व्याप्त हो, कण कण में है, कण कण के नियम को समझो, और नियम समझ करके जहाँ जो जिन नियम है उन नियम का पालन करो, सावधानी बरतो, हवा में घूमो, प्रकाश कुछ सूरज की किरणों का सेवन करो, सुबह ठंडी में, गर्मी में हल्का सेवन करो, पानी का सेवन करो, हवा का सेवन करो, अपने घर का खिड़की दरवाज़ा इस ढंग से रखोगे इससे हवा प्रकाश उसमें आवे, दूसरे के मन को समझो। सबका मन क्या चाहता है? आदर चाहता है। और ये नियम व्याप्त है, हर मनुष्य के मन में यही है, आदर चाहता है। इसलिए किसी को अनादरित न करो, आदर के शब्द को, मीठे शब्द को, ये नियम समझो और ऐसा चलो। आप मीठा बोलोगे मीठा पाओगे, कट बोलोगे कट पाओगे, दर्पण के सामने हंसोगे तो प्रतिबिंब हंसेगा, और क्रुद्ध होगे तो प्रतिबिंब क्रुद्ध होगा।
इसलिए नियम को समझो, सर्वत्र नियम को समझना और नियम के अनुसार चलना, ये विष्णु की उपासना है। विष्णु जो सर्वत्र व्याप्त हो, मैंने कहा विष धात से विद्वान लोग मानते हैं विष्णु शब्द बना, और विष का अर्थ ही होता प्रवेश करना। तो जो सब जगह प्रविष्ट है, सर्वत्र व्याप्त है, वो विश्वव्यापी नियम है, जिसको वैदिक भाषा में रित कहते हैं। कारण कारज की व्यवस्था हर जगह है, उस व्यवस्था को समझो। अंधविश्वास में, धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास, आदमी देवता लोग हजारों वर्ष जिए, राजा इतने वर्ष जिए, अमुक ऋषि इतने वर्ष जिए, ऐसा कहीं नहीं है। जो नियम है मानव का, मानव के जीवन का नियम है, वो 100 वर्ष के अंदर मरने का, या कुछ लोग 100 से ऊपर जाते हैं, कई 100 वर्ष और कई 1000 करोड़ अरब वर्ष, ऐसा कोई जीता नहीं। इस नियम के अनुसार समझो तो ज्ञान सच्चा होगा। अपोथियों में तो क्या क्या लिखा है जो नियम विरुद्ध है। गोस्वामी जी ने काकभूषण के मुख से कहलवाया, गरुण से काकभूषण जी कहते हैं, यहां बसत मोहि सुन खग ईशा, बीते कल्प 7 रुदीशा। हे खगेश, इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, तो 4 अरब 32 करोड़ का एक कल्प होता है, 1 खरब और करीब करीब 16 अरब वर्ष से मैं यही हूँ इसी आश्रम में। और हर त्रेता में अयोध्या जाता हूँ, राम की जन्म लीला देखता हूँ, बाल लीला, राम की बाल लीला हर त्रेता में जाके देखता हूँ। और हर त्रेता में राम जन्म लेते हैं अयोध्या में, और हर त्रेता में वे निकाले जाते हैं, और हर त्रेता में सुपड़ेखक नाक कान वे कटवाते हैं, और हर त्रेता में सीता हरी जाती हैं, और रावण को मारते हैं हर त्रेता में। अब ये सब कैसे बनता है, रावण भी हर त्रेता में जन्मता है। वाल्मीकि रामायण में सब कुछ नहीं, वाल्मीकि रामायण में काकभूषण शब्द ही मुझे नहीं मिला। और मानस के काकभूषण कहते हैं कि 27 कल्पों से मैं ही रह रहा हूँ, 1 खरब 16 अरब वर्ष से मैं यहीं रह रहा हूँ, ऐसा काकभूषण जी लंबा चौड़ा कहते हैं। और उनका अस्तित्व वाल्मीकि रामायण में नहीं। अब ये सब धर्म की बातें हैं, धर्म की बातों में प्रश्न करना नहीं चाहिए। जो महात्मा कहे वो झूठ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि महात्मा निष्पाप होते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है, और इस धोखे में जनता पिस रही है। महात्मा हो, चाहे संत हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे आचार्य हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे जगद्गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, सब नियम से बद्ध हैं। पोथी जो है, पोथी की कसौटी सत्ता है। पोथी में लिखी होने से कोई बात सच नहीं होती है, किंतु ये जो सत्ता है, जगत की सत्ता, यह जो बताती है वो सच है। आदमी कितने दिन जीता है हम देखते हैं, 100 वर्ष के पहले मरते हैं, कोई कोई 100 से ऊपर जाते हैं। तो ऐसे ही लोग होंगे, काकभूषण अगर होंगे तो ऐसे ही होंगे, और कई कल्प उलप वर्ष बिल्कुल झूठ है, चाहे कोई भी लिखे वो झूठ लिख रहा है, ये वास्तविकता है। और ऐसा झूठ महात्माओं ने खूब लिखा है, महात्माओं ने, ऋषियों ने, धार्मिकों ने, धार्मिक कह दो, धार्मिकों ने खूब लिखा है, क्योंकि धर्म में झूठ झूठ बोलने की छूट होती है। और जगह झूठ बोलने की छूट नहीं है, और जगह झूठ बोलो तो बदनाम हो, और धर्म में जितना झूठ बोलो उतना प्रशंसित हो। यहाँ अखबार में छपवा देती कि हमारे गुरु जी भाभर से आकाश मार्ग से आएंगे और यहाँ आंगन में उतरेंगे, तो जो भीड़ होती ये सड़क वड़क रोक देना पड़ता। तो धर्म में झूठ बोलने खूब छूट है, इसलिए धार्मिक लोग झूठ बोलने में डरते नहीं। अब ये सब भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं। विष्णु का भक्त वह है जो ये मानता है
कि आदमी 100 वर्ष के अंदर जीता है, कोई ऊपर जाते हैं बस, और ज़्यादा नहीं। ये विष्णु की उपासना है, क्योंकि विष्णु जो विश्वव्यापी नियम है वो नियम ही बता रहा है। इसी प्रकार और भी बातें समझ लीजिए, धर्म में अजीबो गरीब बात लिखी जाती है, सनसनीखेज बातें लिखी जाती है, महात्मा जो चाहें सो कर दें, महात्मा अमुक के अवतार हैं, और बहुत बहुत अजूबी बातें लिखी जाती हैं, सब कुछ झूठ, सबका सब झूठ है। मनुष्य महात्मा भी केवल मनुष्य हैं। महात्मापन का अर्थ है उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, अपने में स्वस्थ और संतुष्ट हैं, बस इतना ही है। उनका उपदेश सुनो, उनकी बात सुनो, उनको देखो समझो और उनसे प्रेरणा लो, उनके जीवन से और उनके उपदेशों से प्रेरणा लो और कल्याण करो। वे आप 5 फीट के हैं तो वे 6 फीट का आपको बना दें, ये नहीं हो सकता। 1000 सिद्ध महात्मा मिल करके आपके मूंछ की एक बाल को भी न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, आपके नख को न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, जो है सो है। महात्मा का काम अद्भुत काम करना नहीं है, महात्मा का काम है आत्मसंतुष्ट रहना। सबसे बड़ा सुख क्या है? आत्मसंतोष। और ये जो काम कर रहे वो महात्मा है, संत है। महात्मा संत में थोड़ा फर्क है, महात्मा जो इंद्रिय जयी हो और संत जो सत्य में स्थित हो। जो झूठ बोल बोल करके बहुत कुछ लिखे हैं धर्म ग्रंथों में, इनमें से महात्मा हो सकते हैं, इंद्रिय जयी हो सकते, लेकिन संत नहीं हो सकते। संत वह होगा जो केवल सत्य बोले, सत्य लिखे, सत्य माने, सत्य में रहे, वो संत है। संत सत शब्द से ही संत शब्द बना है, इसलिए जो सत्य में स्थित हो संत है। जो जितना ही विश्वव्यापी नियमों को मानता हो उतना वो वैष्णव है। विष्णु जो सब में व्याप्त हो वो नियम है, और नियमों के अनुसार जो चलता हो, अपने जीवन को चलाता हो, वो विष्णु भक्त है, वो सच्चा वैष्णव है। लेकिन विष्णु एक 4 हाथ वाला हमारे सामने खड़ा हो गया है, और उसकी जो उपासना करता हो वैष्णव कहलाता है, और जो नियम से चलता है, चरित्रवान है, उसको वैष्णव कहने के लोग तैयार नहीं है। लेकिन असली वैष्णव वही है। हमारी उपासना बाहर से भीतर तरफ चली है। विष्णु सूर्य है, और आगे चल करके विष्णु विश्वव्यापी नियम है। सूर्य भी स्थूल है, सूर्य भी अनंत विश्व ब्रह्मांड को देखते हुए ये कण की तरह है। हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य, और दहकता आग का पिंड है। दूरबीन से आप देखें तो सूर्य के चारों तरफ लौ दिखाई देती है, चारों तरफ की लौ तो दिखाई, बीच की लौ नहीं दिखाई देती, शायद और बड़े दूरबीन से और दिखाई देती हो। लेकिन मैंने एक दूरबीन से देखा तो सूर्य के चारों तरफ लौ लपट दिखाई देती है। पूरा सूर्य ठोस नहीं है, लौ है, लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। फिर भी अनंत विश्व ब्रह्मांड को देखते हुए एक कण के तुल्य, एक चिंगारी के तुल्य, क्योंकि देश अनंत है, काल अनंत है। आप हवाई जहाज में बैठे एक और एक सेकंड में 10 अरब किलोमीटर चलें और चलते रहें सैकड़ों वर्ष, तो देश का अंत नहीं होगा, शून्याकाश का अंत नहीं होगा। इसलिए देश अनंत है और काल अनंत है। कब से काल है कहना व्यर्थ है, कब तक रहेगा कहना ही व्यर्थ है, अनादि अनंत है काल। और देश काल व्यापी विश्व भी अनंत है, तो उसमें सूर्य का कितना महत्व है। हाँ, हम लोगों के लिए महत्व है, हम पृथ्वी वालों के लिए। सूर्य अगर ना हो तो ये पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। सूर्य की इतनी महिमा वेदों में की गई, इतनी महिमा में है, काव्य में और भावुकता में तो की गई है, लेकिन उसमें तथ्य इतना है कि वेदों को पढ़े तो पता लगता है कि आज से 1000 वर्ष पूर्व ऋषि लोग
अनेक बातों के यथार्थता तक पहुंचे थे। अब आज के लोग इतना पोगापंथी हो गए हैं कि बिल्कुल ही बुद्धि उल्टी हो गई। अब उस जमाने में जबकि वो काव्यात्मक कहते हैं, काव्य में भावुकता अपने आप होती है, लेकिन फिर भी अगर वेद पढ़ें तो सूर्य के विषय में या सत्ता के विषय में बहुत ऐसी ऐसी बातें धारदार हैं कि क्या पूछना। अब सृष्टि के विषय में ही को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यदन अस्था विभर्त, किसने पहले देखा है उस मूल सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते हुए जिसने सारे संसार को धारण कर रखा। ये कथन कितना मार्मिक है। को ददर्श, किसने देखा, प्रथमम जायमानम, प्रथम उत्पन्न होते, अस्तनवंतम हड्डी वाला, यत अनस्था जो अनस्था हड्डी रहित विभर्त धारण किए हुए है। हड्डी रहित ने हड्डी वाले को धारण कर रखा है, उस हड्डी रहित को किसने पहले उत्पन्न देखा है, ये शब्दार्थ होगा। सूक्ष्म प्रकृति हड्डी रहित है, पार्थिवता रहित है, स्थूलता रहित है, बहुत सूक्ष्म है। और ये संसार विश्व ब्रह्मांड देखते हो, पेड़ पहाड़ सब बड़े बड़े गोलक घूम रहे हैं सृष्टि में, तो ये पार्थिव हैं, स्थूल हैं, हड्डी वाले हैं। इस हड्डी वाले जगत को, अनंत विश्व ब्रह्मांड को जो धारण कर रखा है, सूक्ष्म प्रकृति हड्डी रहित है, सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। कपिल जी ने कहा है, गुणानाम परमम रूपम न दृश्यपद मृक्षत यत दृश्य प्रथम प्राप्तम तन मायो सुतुच्चकम, जो पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप हैं वो आंख से नहीं दिखाई देते, और जो आंख से दिखाई देते हैं वो मायामय तुच्छ हैं, यानी जो सत है वो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता वो सत नहीं, दिखाई देता वो जोड़ है, बिखर जाएगा, और जो सत है इकाई है वो दिखाई नहीं देती है। तो सूक्ष्म प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, और उसी ने सारे संसार को धारण कर रखा है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा, भूमि में असुर सृगात्मा क्वसित कुद विद्वान मुपगात प्रश्न में तत्, भूमि से असु और असृक पैदा हो गए, लेकिन आत्मा क्वसित, आत्मा क्या है, भूमि से अभिप्राय है प्रकृति, और असु का अर्थ है प्राण, प्राण से अर्थ है सूक्ष्म शरीर, असृक का अर्थ है रक्त, रक्त का लक्षण अर्थ है स्थूल शरीर। तो प्रकृति से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बन गए, ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, उससे स्थूल शरीर बन गया और सूक्ष्म शरीर बन गया। आत्मा को असित, आत्मा क्या है, आत्मा तो जड़ से नहीं बनेगा। को विद्वान मुपगात प्रश्न में तत्, ये बात पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है। इतनी बढ़िया बात, ये दीर्घतमा का वचन है, इतना बढ़िया वो कह रहे हैं, इस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है। कभी साहब ही कहते हैं, तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, जब पौन पानी नहीं थे तो सृष्टि किसने बना दी। इसलिए पौन पानी सब कुछ सब समय है, कुछ नया नहीं होता है यहाँ। तो मैं कह रहा था कि उपासना स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलती है। पहले सूर्य की उपासना चली, फिर विश्वव्यापी नियम माना गया और विश्व स्थूल बना लिए उस सूर्य के जगह पर, लेकिन विवेकियों ने स्थूल विश्व को निरस्त करके आत्मा को विश्व कहा। एक संत भोजन कर रोटी खा रहे थे तो कुत्ते बैठे थे, तो उनको भी रोटी दे रहे थे, तो नौजवान कुछ आए तो हंसने लगे देख करके, तो महात्मा ने कहा, विष्णु परिस्थित हो विष्णु, विष्णु खादित विष्णु कथम हस्तरे विष्णु सर्वम विष्णु एम जगत, विष्णु विष्णु के साथ बैठा है, विष्णु विष्णु को खिलाता है, अरे विष्णु तुम क्यों हंसते, सारा संसार विष्णुमय है, तो मैं विष्णु हूँ। महात्मा ने कहा, मैं विष्णु, ये कुत्ते विष्णु हैं, अरे विष्णु तुम बच्चे भी विष्णु हो, क्यों हंसते हो। तो आत्मा को विष्णु कहा गया।
आत्मा ही सब घटों में प्रविष्ट है। जहां जहां देखो तहां तहां सोई सब घट रहा समाई, साहब कहते। आत्मा चेतन जीव सब घटों में प्रविष्ट है, वही विष्णु है। आत्मा की उपासना अंतिम उपासना है। मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अभी आपने भजन सुना, यहाँ ईश्वर के तरफ से मानो कहा गया हो। ईश्वर कहता है कि मुझे तुम कहाँ खोजते हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, कहते हैं कबीर साहब। लेकिन ईश्वर के तरफ से मानो कहलाते हैं, ब्रह्म के तरफ से, परमात्मा के तरफ से, कहाँ खोजते हो, तुम्हारे पास में मैं हूँ। पास भी का अनेक तरीका है, मैं तुम ही हूँ, जो तुम हो वही मैं हूँ। तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम महान हो, तुम शिव हो, कहाँ बाहर खोजते हो। ये बात वेदों में भी थोड़ी थोड़ी है, उपनिषदों में ज़्यादा है, शास्त्रों में है, पुराण जिसमें प्रपंच बहुत है उसमें भी बीच बीच में है। और दूसरे लोग भी ये कहते हैं। एक मियाँ जी जा रहे थे, ये कर्नलगंज एक बाज़ार है, वहाँ की बात है, कम से कम 20-25 वर्ष पुरानी होगी, मैं जा रहा था, उधर से वो आ रहे थे, बुजुर्ग थे और धर्म वाले थे। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए कौन सा ईश्वर कहाँ है, तो रुक गए, कहे कि आप हैं, हम हैं, तो आप और हम हैं तो ईश्वर है। हम कहे तो बहुत बढ़िया बात आप कहे। हम आप ना होते तो ईश्वर क्या होता। अंत में अहम पदार्थ को छोड़ करके, स्वयं पदार्थ को छोड़ करके सत कहाँ मिलेगा। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम बोध प्रत्यय लंबन, ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा, आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम बोध प्रत्यय लंबन, बोध प्रत्यय का आलंबन, ज्ञान वृत्ति का आलंबन, एक कोई स्वयं नित्य सत्ता है। अस्ति कश्चित, कश्चित कोई, स्वयं नित्यम, स्वयं है और नित्य है, जो बोध प्रत्यय का आलंबन है, बोध वृत्ति का आलंबन है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, इस प्रकार मैं जो कहता है, ये बोध प्रत्यय है। इसका आलंबन आधार कौन है? अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, स्वयं कोई एक नित्य सत्ता है, वो आप ही हैं। क्योंकि वो स्वयं भी विशेषण देते हैं उसके लिए, स्वयं है वो आप ही हैं और नित्य है। आप ही के नाते ज्ञान विज्ञान का विकास है। पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, पत्थर कोयले की खदान है। क्या ज्ञान की खदान या ज्ञान का स्रोत कहीं है? वो मनुष्य है, मनुष्य की आत्मा है। सारे वेद शास्त्र, सारे ज्ञान विज्ञान मनुष्य के हृदय से निकले हैं। तो मनुष्य अपने हृदय निवासी को छोड़ करके बाहर भटकता है, क्या पाएगा? इसलिए अपनी तरफ लौटो। साहब बारंबार अपने तरफ लौटने की राय देते हैं। जय खोजत कल्पों गया घट ही माहि सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परि गई दूर। व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से, व्यवहारिक दृष्टि से अपने कदमों पर खड़े हो, पुरुषार्थ करो, संयम करो, अपने को संभालो, तब कल्याण होगा, शांति पाओगे। घर का काम अपना खुद कर लो, खेती का काम अपने हाथ संवारिए, तब जीव रहे आनंद। अपने हाथ से समारो तब जीव आनंदित रहेगा। स्वावलंबी बनो तो व्यवहारिक क्षेत्र में भी स्वयं करना पड़ेगा, तब होगा।
और आध्यात्मिक क्षेत्र में ही स्वयं में लौट करके परम संतोष मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जो हम परोक्ष उपासना करते हैं तो ये कल्पना करते हैं कि ईश्वर हमारे चारों तरफ व्याप्त है, ये ऐसी कल्पना करते हैं ईश्वर एक लोक में है, ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में है, यही सब तो करते हैं। एक सगुण उपासना एक निर्गुण उपासना है, एक निराकार है एक साकार है। तो निराकार की उपासना तो मानो सर्वत्र वो है ऐसी हम कल्पना करते हैं, और सच्चिदानंद है, कल्याणमय है, इस भावना में रहते हैं तो इसमें आनंद आता है, अच्छा लगता है। लेकिन संतोष नहीं होगा पूरा अगर हम मानते हैं कि वो किसी लोक में है और दिव्य है, तो उसमें भी आनंद आता है, वो भी मन की उड़ान रहती है। और जहाँ ये होता है कि जिसको मैं चाहता हूँ वो तो मेरा अपना अस्तित्व है, आत्मा ही है, तो यहाँ भ्रम कट जाता है, संदेह नहीं रहता है, संदेह समाप्त हो जाता है। ईश्वर की जो भिन्न धारणा है वो हमारी आवश्यकता है, ध्यान दीजिए। ईश्वर हर जगह है और सब कुछ जानता है, वो कुछ भी कर सकता है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ नहीं, सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, ये हमारी आवश्यकता है। अगर ऐसा हो तो कुछ दुख न हो। जहाँ दीवार चोर काटता है वहाँ ईश्वर है, वो काटने नहीं देगा। जहाँ घी में डालडा और डालडा में चर्बी मिलाई जाती वहाँ ईश्वर है और जानता है और रोक सकता है, तो करने नहीं देगा। और गबन इत्यादि राजनेताओं गबन कितने बड़े बड़े चलते हैं, अरबों अरबों रुपए गबन करते हैं, वहाँ भी ईश्वर है और जानता है और रोक सकता है, तो करने नहीं देगा। आपके सामने कोई प्राणी को कोई काटने लगे और आप दयालु हैं तो तुरंत रोकेंगे, ईश्वर तो सब कुछ समर्थ है, कैसे करने देगा। हमारी आवश्यकता है कि ऐसा ईश्वर हो जो हर जगह रहे और सब कुछ जाने, वो कुछ भी कर सके, लेकिन बुरा न करे अच्छा करे, ऐसी हमारी आवश्यकता है। इसलिए ऐसी ईश्वर को हम गढ़ते हैं, परंतु हमारे मन का गढ़ा है, वैसा है नहीं, है नियम, सर्वत्र नियम व्याप्त है। अगर हम गलत करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन समय से मिलेगा। भोजन करने हम बैठे हैं तो जब भोजन हम करते हैं तो हमारे आंत का नियम बताता है काम भर का हो गया, लेकिन लोभ में पड़ते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, अंदर की घंटी तो बच जाती है, कब पूरा है, लेकिन चटनी आ गई, मिठाई आ गई, मुरब्बा आ गया, चटपटा आ गया और खा ली। तो अंदर में जो नियम है तो बता देता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा। आप खाते जाएं तो खाते जाएं, गले तक खा लें, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोकने वाला नियम नहीं है। परंतु उसके बाद फिर दुख भोगना है, वो कहीं जाएगा नहीं। आप चोरी करने चलते हैं, भयभीत होते हैं, तो प्राकृतिक नियम रोकता है, गलत बात है, आप उसकी उपेक्षा कर देते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि तुरंत पकड़ करके चार चाटा लगा दे, फिर जाओ आप चोरी करो, मन खराब होगा, पकड़े जाओगे, पीटे भी जाओगे, जेल भी जाओगे, कुल होगा। कर लेने के बाद छुट्टी नहीं है, भोगना है। तो जो भावुकता पूर्वक ईश्वर की कल्पना है वो व्यक्ति ईश्वर की कल्पना है। जब हम ये सोचते हैं कि ईश्वर सोचता है, हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है और फल देता है, लड्डू चढ़ाते हैं तो खुश होता है, तो ये ईश्वर को व्यक्ति बना देना हुआ, और ये हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता के नाते हम ऐसा करते हैं। फिर आवश्यकता और भद्दी हो जाती है तो और हम ईश्वर को सस्ता कर देते हैं, जैसे कि चोरी किए, माल ले आए, काफ़ी माल लाए, 1,000-2,000 रुपये मिठाई कपड़ा फूल माला ले जाके मंदिर में पूजा करने लगे, हे भगवान क्षमा कर दो, रोने लगे, भगवान पिघल गया, लड्डू पाया, रुपया पाया, फूल पाया, इतना कमीशन मिल गया, वो खुश हो गया और क्षमा कर दी। तो ये भी हमारी आवश्यकता है। ऐसे हम अपने को झुठलाते हैं, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो आपकी प्रार्थना सुने, अब आपके लड्डू से खुश हो। हम
हमारी आवश्यकता है, इसलिए उस आवश्यकता को लेकर के हम अपने को धोखे में डालते हैं और ऐसे ईश्वर को गढ़ते हैं जो नहीं है, और जो ईश्वर है उसको समझते नहीं। असली ईश्वर है विश्वव्यापी नियम, उसको हम समझते ही नहीं। उसमें मेहनत है, त्याग है, बेईमानी न करो, किसी के हक को न छीनो, ये ईश्वर का नियम है, यानी विश्वव्यापी नियम है ये। परंतु अगर किसी छीन लेते हैं तो थोड़ा माल आ जाता है घर में, तो अच्छा लगता है, इसलिए भगवान ऐसा बना लेते हैं कि वो क्षमा कर दे, काट दे। दो नंबर का काम करते हैं तो दो नंबर का भगवान बनाते हैं, लेकिन दो नंबर का भगवान है ही नहीं, एक नंबर का है, और उसमें ये चलेगा नहीं। अपने मन से भले कुछ कर लो लेकिन कुछ होगा नहीं, फल पक्का है, गलत किए तो फल पक्का है। कोई भगवान भी हो, ज़्यादा भोजन कर ले तो उसका भी पेट खराब हो जाएगा। अगर कहीं भगवान हो और ज़्यादा खाए तो पेट उसका भी खराब होगा। गुरु हो, पेट ज़्यादा खाए तो उनका भी पेट खराब होगा, चेला का भी खराब होगा। कि प्रकृति कभी छोड़ती नहीं किसी को, ये असली ईश्वर, और इससे लोग आंखें मीचे रहते हैं। असली ईश्वर से सबको डर है, इसलिए हम नकली ईश्वर बनाते हैं, असली ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते हैं, झूठे ईश्वर की उपासना करते हैं, अपना धोखा खाते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं। यही हम लोग कर रहे हैं, संसार के लोग कर रहे हैं, और इसका परिणाम यह है कि सब अशांत और दुखी। इसलिए असली ईश्वर की उपासना करो। बाह्य ईश्वर नियम है, आंतर ईश्वर आत्मा है। ये ईश्वर की दो परिभाषा की जा सकती है। विश्वव्यापी नियम मानो ईश्वर है, और उसको पहचानो और पहचान करके तदनुकूल आचरण करो। ये बाह्य आचरण का विषय है, और मन का निरोध भीतरी आत्मा रूपी परमात्मा में करो। मन का निरोध हो गया तो आत्मा ही शेष बचा। जब हम किसी प्रकार की उपासना करते हैं, बाह्य उपासना, तो किसी आलंबन में मन को ठहराते हैं। जैसे कबीर साहब का चित्र है उसमें ठहराएं, तथागत बुद्ध का चित्र है, महाराज राम का चित्र है, या और भी विष्णु शिव कोई चित्र ले लें उसमें मन ठहराएं, या ज्योति में ठहराएं, नाद में ठहराएं, बिंदु में ठहराएं, किसी आधार में अपने मन को ठहराते हैं, तो ये बाह्य उपासना है। किसी शुभ आधार में मन को ठहराना बाह्य उपासना है, और चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए इसकी उपयोगिता है। जहां जिसकी श्रद्धा हो, कबीर साहब में श्रद्धा है तो कबीर साहब का चित्र लेकर के मन को रोको उसमें। आप सबसे ज़्यादा अपने गुरु को मानते हो तो कोई बात नहीं, अपने गुरु को लेकर रोको। राम कृष्ण को मानते हो उनको लेकर रोको। ज्योति में मन ठहराने में या शब्द में मन ठहराने में रुचि है उसमें ठहराओ, आपका विचार है। जिसका आप ध्यान करते हो उसको आप कुछ देते नहीं, वो अपने लाभ के लिए है, तो जैसी रुचि करो। इसमें विभिन्नता है, लेकिन अंतिम ध्यान है चित्त की वृत्ति का शांत हो जाना, कुछ न सोचना, और ये काल्पनिक नहीं है, तथ्य। ये तब होता है जब अभ्यास बढ़े और वैराग बढ़े दोनों। खास कमजोरी तो साधक की है वैराग की कमी, संसार की नश्वरता को न देख पाना, सब कुछ की दयनीय दशा को न देख पाना, सब कुछ पिस जाने वाला, रात दिन सब पिस रहा है, सब काल के गाल में है, इसको न समझ पाना और इसको चित्त में स्थिर न कर पाना, वैराग की तीव्र वृत्ति न होना और अभ्यास न होना। वैराग की वृत्ति है भी तो बैठ करके अभ्यास नहीं करते हैं। अब उत्कट वैराग्य हो गए तो सब समय समाधि है। उत्कट वैराग्य में सब समय समाधि है, लेकिन उत्कट वैराग्य में भी ध्यानाभ्यास करना चाहिए। जब चित्त बिल्कुल शून्य हो जाए तो अभ्यास और वैराग से होगा, खूब अभ्यास बढ़ावे और वैराग। वैराग का अर्थ है चित्त की अनासक्ति, चाहे वो गृहस्थ कपड़े में हो, विरक्त कपड़े में हो, स्त्री हो, पुरुष हो। वैराग का मतलब हम लोगों का कपड़ा नहीं, वैराग का मतलब है मन का अनासक्त हो जाना।
इस अवस्था में ये समाधि का फल होता है। पतंजलि ने भी कहा कि अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि लगती है और असंप्रज्ञात वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि के लिए पर वैराग्य की जरूरत है। अपर वैराग का अर्थ है दृष्ट श्रुत की वितृष्णा, जो हम देखे हैं और सुने हैं या देखते सुनते हैं उसके लिए वैराग्य हो जाना, ये अपर वैराग्य। अपर नाम उच्च वैराग्य, उच्च वैराग्य जो हम देखते हैं और सुनते हैं सबसे तृष्णा का अंत, और पर वैराग्य है, पर वैराग्य का अर्थ है उच्चतम, अपर वैराग्य का है उच्चतर अर्थ, और पर वैराग्य का अर्थ है उच्चतम, उच्चतम अर्थ है यानी सबसे आखिरी वैराग्य है। गुणों में भी वितृष्णा मतलब सूक्ष्म आसक्ति का भी ध्वंस हो जाना, तब उससे असंप्रज्ञात समाधि लगती है। तो जहाँ चित्त बिल्कुल संकल्प छोड़ देता है, कुछ संकल्प नहीं करता है, वो असंप्रज्ञात समाधि है। और उसको अपनी भाषा में हम कहें तो सहज समाधि है, स्वरूप स्थित है। वैसे स्वरूप स्थित तो खाते पीते भी है, खाते पीते हंसते बोलते नाली साफ करते कोई काम करते, जो अनासक्त चित्त वाला है सब समय स्वरूप में स्थित है। लेकिन समाधि का जो अभ्यास है वो अंतिम अभ्यास है चित्त का बिल्कुल लय हो जाना। जब चित्त लीन हो गया यानी चित्त की वृत्ति नहीं चलती है, तब शेष क्या रहा, उसका दृष्टा स्वयं आत्मा। तो वहाँ दृष्टा भी नहीं रहा, ज्ञान मात्र रहा। पतंजलि ने भी कहा कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु नाम दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित हो जाती है। जब चित्त वृत्ति शांत हो गई तो आत्मा अपने आप में निमग्न हो गया। यही परमात्मा को पाना है। परमात्मा का अर्थ है उच्चतम आत्मा। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा शब्द मूल है। प्रेत आत्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा। प्रेत का अर्थ ही है शरीर छोड़ के जो चला गया है, और दुष्ट आत्मा का मतलब है खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा का मतलब है पवित्र स्वभाव का आत्मा, महात्मा का अर्थ है इंद्रजयी, जो इंद्रियजयी है वो आत्मा, और परमात्मा का अर्थ है गुणातीत आत्मा, सारी आसक्तियां जिसके चित्त से निकल गई हैं, जो आत्मा राम है, आत्मा मग्न है, वो परमात्मा। तो परमात्मा कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है। मुको कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीर साहब ने ईश्वर के मुख से कहलवाया है। वो सब कहने का तरीका है, जैसे शिव काशी कैसे भाई तुम्हार। कबीर साहब काशी में घूम रहे थे तो दशाश्वमेध घाट पर शिव जी मिल गए। कल्पना करो, मान लो शिव जी मिल गए तो साहब ने पकड़ लिया शिव जी को और कहा शिव काशी कैसे भाई तुम्हार, अजू हो शिव ले विचार, चौवा चंदन अगर पान, घर घर सुमिरत होत पुराण, बहुविध भवने लागू भोग, ऐसो नगर कुलाहल करत लोग, बहुविध प्रजा लोग तोड़ते कारण चित ढीठ मोर, हमरे बलको की है ज्ञान, तुहरा को समझावे यान, हर हर शिष्य सो कहल भयो, जहां हम तहां दूसर नहीं केव, दिना चार मंदर हो धीर, जस देखे तस कहें कबीर। शिव जी को कबीर साहब ने पकड़ लिया काशी में और कहा महाराज शिव काशी कैसे भाई तुम्हार, अय शिव जी तुम्हारी काशी कैसे हो गई है, अजहू हो शिव लो विचार, अय शिव जी आज भी विचार लो, बहुत गड़बड़ियाँ काशी में चल रही, बड़ी आपाधापी, बड़ी बेईमानी, बड़ी बदमाशी, आपके नाम पर बहुत गुंडी करती है, ये सब कैसे हो गया है, शिव काशी कैसे भाई तुम्हार, अजहू हो शिव लो विचार, चौवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण, चौवा चंदन अगर पान से आपकी पूजा होती और घर घर अस्मृत और पुराण पढ़े जाते हैं और हर जगह देखो बम बम शिव शिव काशी में चल रहा है, तो चौवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण, बहुविध भवने लागू भोग, ऐसो नगर कोलाहल करत लोग, घर घर में भोग लगता है शिव जी का और नगर में कोलाहल मचा हुआ है हर हर बम बम का, चौवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण, बहुविध भवने लागू भोग, ऐसो नगर को लाल कर दो लोग, बहुविध प्रजात लोग तोड़,
तुम्हारी प्रजा बहुत है, भक्त तुम्हारे बहुत है काशिम भरे, बहुवी प्रजा लोग तोर ते कारण चित ढीठ मोर। तुम बड़े प्रतिष्ठित हो इसलिए मैं भी खूब दृढ़ता से आया हूँ आपसे बात करने के लिए। हमरे बलों को कहे ज्ञान, हम तो बालक हैं कबीर, हम बालक हैं, अब आप पुराने हैं बड़े हैं, तोहरा को समझाओ यान, तुम्हें कौन समझावे, तुम्ही तो सर्वे सर्वा हो, इतना अंधे खाते यहाँ चलता हो कुछ नहीं सुधार रहे हो। हमरे बलको की हे ज्ञान तोहरा को समझावे यान, तब हर हर्षित सो काल भयो, तब शिव जी हर्षित हो गए। सोचे कबीर बच्चा है क्या जाने, हर हर्षित सो काल भयो, तो अपना भेद बताए, जहाँ हम तहाँ दूसर नहीं क्यों, जहाँ हम हैं वहाँ दूसरा कोई नहीं, यहाँ पाप हो क्या, शिव नगरी में सब मुक्त ही हैं, यहाँ पाप की बात नहीं है, पाप भी पुण्य बन जाता है यहाँ, जहाँ हम तहाँ दूसर नहीं क्यों। तब कबीर साहब ने कहा, दिना चार मन धरहु धीर, चार दिन ऐसा कह करके धीर पकड़ो, कर्म फल भोग भोगना है समझ लो, जस देखें तस कहें कबीर, कबीर तो जैसा देखते वैसा सही सही कहते हैं। ये कथोपकथन एक कल्पना में है, कुल कहते हैं साहब, कोई शिव जी आके थोड़े कहते हैं, लेकिन ऐसा रूपक बांटते हैं, एक मनोरंजक हो जाता है और जो भ्रांतियां है उसको उड़ा देते हैं। बीजक व्याख्या में पढ़ो सब समझ में आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर साहब कहते हैं, मुको कहाँ ढूंढे बंदे, ईश्वर के तरफ से कहते हैं, ईश्वर मानो कहता मुझे क्या ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। फिर वो बहुत सा गिना देते हैं, जितना गिनाते हैं, भ्रकुटी कुंडलनी जो भी कहो, जितना गिनाया गया उससे और भी गिनाया जा सकता है, तीर्थ में मूर्त में योग में संन्यास में, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो हर सांसों की सांस में, जिसके रहने से सांस चलती है वह मैं हूँ। यानी वो आत्मा के प्रति अहम भाव उत्पन्न करके कहते हैं, आत्मा ही अहम तत्व है, स्वयं तत्व है, स्वयं तुम शिव हो। वेदांतियों ने यही कहा, पहले मैंने कहा नहीं कि विष्णु की उपासना चली, ब्रह्म तो अग्नि के लिए पहले कहा ही गया है, ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म, और आग जलाओ तो बढ़ जाती है, इसलिए आग को ब्रह्म कहा, अब आग में हवन करने वाले को ब्राह्मण कहा, और जिस मंत्र के द्वारा हवन किया जाए उसको भी ब्राह्मण कहा, उसको भी ब्रह्म कहा, जैसे वेद के मंत्रों को ब्रह्म कहा जाता है, इसलिए शरणाचार्य ने अपने भाष्य में कई जगह ब्रह्म का अर्थ वेद मंत्र कर दिया है। तो वेद मंत्र ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, और वेद मंत्रों द्वारा अग्नि में जो हवन करे वो ब्राह्मण है, लेकिन शोधकों ने शोधा कि आग तो जड़ है, जो उसका दृष्टा है उसका प्रेरिता कौन है, उसका तो प्रेरिता भी अलग रूप में माने। ब्रह्म की दो परिभाषा उपनिषदों में है, एक परोक्ष एक अपरोक्ष, ये चांद सूरज चलाने वाला ब्रह्म भी कहा गया, लेकिन दूसरा कहा गया शुद्ध आत्मा को, पूर्व एकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसा अनुष्ठान सोचित विमुक्तस्य विमुच्यते एतत् वैतत्। पूर्व एकादश द्वार 11 दरवाजे का नगर है शरीर, और इसमें एक अज अवक्र चेतन निवास करता, अजन्मा शाश्वत और अवक्र सरल शुद्ध चेतन निवास करता। अनुष्ठान सोचित, इस आत्मा का जो शरीर में निवास करता है मैं के रूप में, जो इसकी उपासना करता है न सोचत, फिर वो चिंता से मुक्त हो जाता है, विमुक्तश्च, वो विमुक्त रहता है जीवन भर, और शरीर छूट जाने पर विमुच्यते, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतद् वैतद् ऐ नचकेता, जिसके लिए तूने प्रश्न किया हो यही आत्मा है, जो बोलने वाला है, दृष्टा है, इस शरीर के अंदर में है। तो कबीर साहब जो कहते हैं ऐसी बातें बीच बीच में शास्त्रों में आती हैं, लेकिन फिर दूसरी बात कह करके उलझ जाती है। कबीर साहब बारम्बार अपने तरफ लौट आते हैं, जैसे कि अन्य शास्त्रों में भी कहीं कहीं ब्राह्मणवाद का खंडन है, कहा गया है कि ब्राह्मण कौन है, जो इंद्री मन को जीते वही ब्राह्मण है,
जितेन्द्रिय धर्मपरा स्वाध्याय निरता सुचि ही काम क्रोधो वसु यस्तम देवा ब्राह्मण विदु। जो जितेन्द्रिय हो, धर्मपरायण हो, स्वाध्याय में निरत हो, काम क्रोध को बस में कर लिया हो, उसको देवता लोग, विद्वान लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो ये पारखी वचन है, लेकिन आगे चल करके कहा गया रूढ़ ब्राह्मण, उसको जो ब्राह्मण नहीं मानता है और उसकी पूजा नहीं करता है, वो बहुत गलत है। तो इस प्रकार कह दिया गया। तो दोनों बातें कबीर एक ही बात कहते हैं, वो मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी वर्ण और जात को श्रेष्ठ नहीं मानते, ठेकेदारी को एकदम खत्म कर देते हैं, संप्रदाय के नाते कोई ऊंचा नहीं हो सकता है, आचरण के नाते ऊंचा होता है। इसलिए कबीर की वाणी विज्ञान की वाणी है, धर्म के क्षेत्र में विज्ञान की वाणी है। पूरा बीजक पढ़ो, दहकती आँख की तरह, कहीं कूड़ा कचड़ा रखने की जगह नहीं है। इतना निर्भय वो महापुरुष, मरने की डरा ही नहीं, कोई हमें मार देगा क्या करेगा। उधर मुसलमानों का शासन और उधर पंडितों का हिंदू समाज में अपना शासन, और दोनों को चुनौती देता है। कासिम रह करके वो महापुरुष कहता, और के छीन ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा, और के छूने से तुम पानी छिड़कते हो और कहते हो ओम अपवित्र अपवित्र हुआ, तुमसे कौन नीचे। ये कहना तुमसे कौन नीचे है कोई मामूली बात है उस जमाने में। और ये महापुरुष पाला गया जुलाह के घर में, मुसलमानों में भी सैयद यहाँ नहीं पाला गया, पठान यहाँ नहीं पाला गया, जुलाह के यहाँ। लेकिन वो डरा नहीं, हीन भावना कबीर में है ही नहीं। कबीर की याद करो तो सब लोग सोना बन जाओ, वीर। कबीर कितने निर्भय थे और एकदम ज्यों का त्यों कहे। तो कबीर वाणी जो है वैसी बात जगह जगह शास्त्रों में है, लेकिन उलट करके भी है, इसलिए उलट जाता है। कबीर एक ढंग से कहते हैं, लसफस नहीं कहते हैं। इलाहाबाद में एक पंडित पंडितानी रहे हैं, अब पंडित तो चले गए, बेचारी पंडितानी हैं, दोनों प्राणियाँ हैं, अब वो भी जाती हैं जब तक जब बन जाता है समय। तो मुझसे कहें बीजक व्याख्या मेरी दोनों पढ़ें, लेकिन पंडितानी तेज रहें। पंडितानी कहें कि का साहेब, दुनिया में जितने ऋषि मुनि हैं सबके वाणी में दो नंबर है, बाबा की वाणी में दो नंबर की बात नहीं है। वो कबीर साहब को बाबा कहती है, बाबा की वाणी में दो नंबर नहीं। बीजक व्याख्या पढ़ती हूँ तो डूब जाती हूँ। एक माड़वारी महिला ने कहा, बीजक व्याख्या हो रात में कहे जब नींद खुल जाती है तब टार्च रखे रहती हूँ, तो मच्छरदान के अंदर बीजक व्याख्या रखती हूँ, खोल करके वह टार्च से पढ़ती हूँ, इतना रस लगता है कि उसको छोड़ने मन नहीं करता है। तो बाबा की वाणी में दो नंबर नहीं है, ये कबीर की विशेषता है। और कबीर जो कहते हैं और लोग भी समय से कहते हैं, सत्य तो सदा से रहा है। ये भी कहना कि कबीर ही केवल पहले पहले सत्य कहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब सत्य सदा से है तो और लोग कैसे नहीं कहे, और लोग भी कहे। कपिल का वचन देखो तो एकदम आत्मा के लिए केवल कहते हैं, कोई अनुमान कल्पना नहीं परोक्ष में। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कबीर के पहले सत्य कोई नहीं कहा, सत्य सदा से कहा गया है। लेकिन फिर परख न होने से उलझ जाते हैं। कबीर ने जो परख दी, चश्मा ज्ञान कबीर का सूझे चारी ओर, चश्मा लगा लो सब तरफ देखो, दर्पण एक तरफ दिखाई देता है, चश्मा लगा लो चारों तरफ। कबीर का ज्ञान चश्मा ज्ञान है, वो खर खर कहते हैं, हर जगह खर कहते हैं। तो मैं कह रहा था कि उपासना अस्थूल से सूक्ष्म की तरफ चली है। विश्व पहले सूरज था, फिर विश्व विश्वव्यापी नियम हुआ, और वो नियम आज भी है, लेकिन अत्यंत उपासनीय विश्व आत्मा है। अपने आत्मा को पहचानो, आत्मा ही की उपासना। और ये वेद शास्त्र में भी बात है, ऋषि मुनि भी कहे हैं, और कबीर साहब तो कहते ही हैं। और सबको हटा दिया जाए, आप खुद क्या कहते हैं, आप खुद जो हैं, आपको कहाँ संतोष मिलेगा अपने में। जहाँ फिर कल्पना करने, जहाँ मन चलाए तहाँ बाहर खड़ा हुआ,
जहां मन शांत हुआ वहां अपने आप रह गए। कोई ईश्वर के ईश्वर को गढ़ोगे, देवता को गढ़ोगे तो परोक्ष होगा। इंद्रियों से प्रतीत मान प्रत्यक्ष है और मन से जितनी धारणाएं हैं वो परोक्ष हैं। जब इंद्रियां शांत हो गई और मन भी शांत हो गया तब अपरोक्ष स्वयं आत्मा है। यही ब्रह्म है, राम है, रहीम है, खुदा है, गाड है, पारख है, ब्रह्म, जो कुछ कहो, भाषा आपकी है, लेकिन आपका अस्तित्व ही परमात्मा तत्व है। इसलिए मुझको कहाँ ढूंढते हो, मत ढूंढो, अपने आप में मग्न हो जाओ बस।